भोजपुरी इंडस्ट्री को मिल गई नई सनसनी। इंडस्ट्री पर राज करने आ रही है ये हीरोइन। अपने जज्बे और संघर्ष के दम पर बना लिया ऐसा मुकाम, इंडस्ट्री के नई सुपरस्टार हीरोइनों में शुमार हुआ नाम। हर हीरो के साथ जबरदस्त है इस हीरोइन की केमिस्ट्री। हर किरदार में फूंक देती है जान और रस देती है हिस्ट्री। खूबसूरती ऐसी कि निहारते रह जाएं, सादगी ऐसी कि दिल हार जाएं। तो चलिए इस वीडियो में मिलिए इंडस्ट्री की नई सुपरस्टार हीरोइन से। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। दोस्तों, बिहार के एक गरीब परिवार से आती है ये हीरोइन, नाम है रक्षा गुप्ता। पिता आज भी ऑटो चलाते हैं। जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो यहाँ कोई जानने वाला नहीं था। उसके पास कुछ था तो सिर्फ जिद और जुनून, जो उसने अपने पिता से पाया था। जो भी हो जाए हार कर नहीं लौटूंगी, इसी जुनून के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में काम शुरू किया। शुरू में जो भी ऑफर मिले उसे स्वीकार किया, क्योंकि पता था कि घर पर गरीब पिता को सहयोग करना है। अपने काम में 100% ईमानदारी और हर रोज खुद को तराशते रहना, इस कोशिश ने रक्षा गुप्ता को जल्द ही इंडस्ट्री में पहचान देनी शुरू कर दी। लेकिन इंडस्ट्री में पहचान बनाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन मुकाम बनाना मुश्किल होता है। रक्षा को मुकाम बनाना था तो उसने खुद को उस किरदार के लिए ढालना शुरू किया जहाँ उसे अलग देखा जाए, जहां वो भीड़ में खोने की बजाय अपने लिए अलग रास्ता बनाए। वो रास्ता था एक्शन हीरोइन बनने का। इंडस्ट्री में ऐसी एक धाकड़ हीरोइन की जरूरत थी जो अपने एक्शन सीन्स भी खुद करे और उसे करते हुए खूबसूरत भी दिखे। रक्षा वहां फिट बैठ गई। फिर क्या था, एक के बाद एक मौके मिलने लगे। जब लगा कि सिर्फ एक्शन से काम नहीं चलेगा तो इमोशन में हाथ आजमाया, मेहनत की और वहां भी सिक्का जमाया। भोजपुरी इंडस्ट्री एल्बम की इंडस्ट्री है, रक्षा जानती थी। डांस में वे पहले से माहिर थी और एल्बम में उतरते ही रक्षा ने इंडस्ट्री के स्थापित हीरोइनों को टक्कर देना शुरू कर दिया। अब आलम यह है कि इंडस्ट्री का हर बड़ा स्टार उनके साथ काम करना चाहता है। इंडस्ट्री के सबसे तेजी से उभर रहे सुपरस्टार नीलकमल सिंह के साथ अभी उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा गाना पगली दिखावे अगरबत्ती की है, जो 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। खेसारी लाल यादव के साथ उनकी जोड़ी को पहले ही लोग बेमिसाल बता चुके हैं। मतलब साफ है कि अब ये हीरोइन इंडस्ट्री पर राज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रक्षा गुप्ता ने कभी सच ही कहा था कि जिद्दी हूं, अपना आसमान पाकर रहूंगी। आज सच में उसने अपना आसमान पा लिया है। लेकिन जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है, इस आसमान को पाने के बावजूद उसका पैर अभी भी जमीन पे टिका हुआ है। और जिस स्टार का पैर जमीन पे टिका हुआ हो उसके लिए आसमान का फलक पार करना आसान ही है। तो रक्षा आज जिस रास्ते पर हैं, निश्चित रूप से वो वहाँ से एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ेंगी। भोजपुरी वाले भैया की तरफ से भी रक्षा को उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आप यूं ही हमें प्यार देते रहिए, हम यूं ही आपको खूबसूरत कहानियाँ सुनाते रहेंगे। नमस्कार।